हिंदी पोएम नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर और साहित्य प्रकार खंड काव्य, जिसके अंदर हम कर्ण के बारे में देख रहे हैं कि कर्ण जो है उनको भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए लेने के लिए आते हैं और कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं, लालच देते हैं। तो कर्ण जो है वो कृष्ण को समझाते हैं कि ये सब जो है वो सब हमें यहीं पर छोड़ के जाना है, कुछ साथ में लेके जाना नहीं है, कि यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। ये कर्ण कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कि कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य जो हैं वो कंचन, कंचन यानी कि सोना, सोने का भार ढोते, ढोते यानी कि उठाना, कि कर्ण कृष्ण से क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य जो है वो कभी भी सोने का भार उठाते नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे जैसे दानवीर मनुष्य जो है वो कभी भी सुख वैभव का जीवन बिताते नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वो क्या कहते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, बिखराना यानी बांटना, कि वे लोग यानी कि कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे लोग जो है वो बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। कि धन की प्राप्ति तो करते हैं लेकिन किस लिए, तो लोगों को देने के लिए, और वह उनकी बहुमूल्य वस्तु जो है वो भी लोगों में बांट देने के लिए ही है, वो अपने पास कुछ संग्रह करते नहीं है। कैसे लोग, कर्ण के जैसे लोग। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कि मेरे जैसे मनुष्य जो है वो संसार से कभी कुछ भी प्राप्त करते नहीं है, अथवा संसार के पास से कुछ भी चीज लेते नहीं है, और अपने हृदय का दान ही करते हैं। कहने का अर्थ कि अपने हृदय से, बराबर हृदय से दीन दुखियों की ऊपर दया करते हैं और उनको दान देते हैं। प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल, देवता और राजा महाराजाओं का जो महल होता है वो महल। कनकाव, कनकाव का अर्थ क्या होगा, स्वर्णिम आभा वाला। शिखर, शिखर यानी पर्वत, होते कबूतरों के ही घर। कि कर्ण क्या कहते हैं कि कृष्णा ने कहा होगा कि हम तुम्हें महल देंगे रहने के लिए, राज्य देंगे। तब वो क्या जवाब देते हैं कि सोने के चमक दमक वाले जो राजमहल है, बराबर वो किसके घर है, कबूतरों के ही वो तो घर होते हैं। कि ऐसे चमक दमक वाले राजमहल में कबूतर ही रह सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि दानवीर और शक्तिशाली पुरुष जो है वो ऐसे राजमहल में रहते नहीं है। कि घर महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। उनको वो क्या कहते हैं कि महल में, कि गरुड़ पक्षी जो है, गरुड़ पक्षी और कबूतर में बहुत अंतर है, दोनों के लक्षण अलग अलग है। तो कर्ण जो है वो अपने आप को गरुड़ पक्षी बताते हैं। कि वो कहते हैं कि गरुड़ जो है वो कभी भी ऐसे महलों में रहते नहीं है, कंचन पर कभी न सोता है, सोना, सोने के बिछोने के ऊपर। कि गरुड़ पक्षी कभी भी सोने के महल में भी नहीं रहता और ऐसे स्वर्णिम सोने के बिछोने के ऊपर भी वो नहीं सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। कि गरुड़ पक्षी जो है उनका निवास कहाँ पे होता है, तो पहाड़ों में ही होता है। उसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे शूरवीर दानवीर पुरुष जो है वो कभी भी ऐसे महलों में नहीं रहते, बल्कि वो तो हमेशा संघर्षमय जीवन ही बिताते हैं। कि सैलों की पट्टी दरारों में, कि वो पहाड़ों की पट्टी दरार के बीच में ही अपना घर बनाते हैं। कौन, गरुड़ पक्षी। तो ऐसे ही जो शूरवीर पुरुष है वो भी ऐसे संघर्षमय जीवन बिताने में ही मानते हैं।
होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपक्षेण, नित होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपक्षेण, नित यानी हमेशा नित्य, तपक्षेण, तपक्षेण का अर्थ क्या होगा, निर्बल ताकतहीन। कि कर्ण क्या कहते हैं कि धन दौलत और सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप और तेज जो है वो खो देता है। कि अगर मनुष्य के पास ज्यादा धन दौलत आ जाए तो वो क्या करेगा, उसके अभिमान में ही जीने लगेगा, और उसके पास जो अच्छे गुण है, संस्कार है, वह सब क्या करता है, दिन दिन खो देता है, क्योंकि वो धन का गुलाम बन जाता है। इसलिए कहा है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य जो है वो अपना तप और तेज जो है वो खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता यानी कि राजपद, किरीट यानी मुगट, मणिमय मणिमय आसन की रत्न से जड़ित आसन करते मनुष्य का तेज हरण। कर्ण क्या कहते हैं कि राजपद मुकुट और मणियों से जड़ा हुआ आसन जो है वह मनुष्य का तेज जो है वो हर लेता है और मनुष्य को तेजहीन प्रभावहीन बना देता है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। कि नर जो है वो वैभव विलास बराबर धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है। हर एक मनुष्य के अंदर धन दौलत की लालच होती ही है कि वो हमेशा धन और दौलत को पाने की कोशिश करता ही रहता है। तो मनुष्य जो है वो धन दौलत पाने के लिए लालच रखता है पर वही धन संपत्ति मनुज को खाती है, मनुज यानी मनुष्य को नष्ट कर देती है। कि ज्यादा धन संपत्ति आ जाने पर मनुष्य अपना सारा अच्छा स्वभाव संस्कार सब खो देता है और अंत में मनुष्य की बुरा मनुष्य का जो तप तेज है वो भी नष्ट हो जाता है और वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, चांदनी यानी चंद्र की चांदनी पुष्प छाया में पल, कि पुष्पों की छाया में पल कर नर यानी मनुष्य सुमधुर कोमल की चांदनी और फूलों की छाया में, फूलों की छाया कहने का मतलब अत्यंत सुख सुविधा में अगर मनुष्य पलता है तो मनुष्य जो है वो कैसा बनता है, सुंदर और कोमल बराबर भले ही बन जाए। कि कर्ण क्या कहता है कि अगर मनुष्य चांदनी और पुष्पों की छाया में पलकर भले ही सुंदर और कोमल बन जाता है परंतु पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना, वो क्या कहता है कि पर अमृत क्लेश का, क्लेश यानी दुख कष्ट, कि कष्टों का अमृत पिए बिना आतप, आतप यानी धूप, अंगड़ यानी आंधी बराबर, परंतु धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष कहलाता नहीं है और ना ही वो विघ्नों को पार कर सकता है। ऐसा कौन कहता है, कर्ण। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भले ही चांदनी और पुष्पों की छाया में मतलब कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य जो है वो भले ही सुंदर और कोमल बन जाए लेकिन जब तक मनुष्य कष्ट का अमृत नहीं पीता, धूप आंधी तूफान आदि नहीं सहता तब तक वह पुरुष नहीं कहला सकता और वह विघ्नों को भी पार नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, कि झंझावात यानी कि वर्षा सहित तीव्र आंधी, बारिश भी होती है और साथ में पवन आदि भी आता है वह झंझावात। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी कि पानी, प्रपात प्रपात यानी कि झरना, कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं और झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिनका, अयन अयन यानी घर, विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषधर विषधर यानी कैसे विषैले, विषधर यानी कि विषैले, विष का अर्थ होगा जहर, गरल
बराबर भुजंग यानी सांप, ये सांप कैसे होते हैं, जहरीले, भोजन जिनका, कि ये गरुड़ पक्षी की बात उन्होंने यहाँ पे की है कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं और झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, बराबर कि आकाश ही जिसका घर है, और विषैले सांप जिनका भोजन है, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, कि ऐसे गरुड़ पक्षी ही फणिबंध, फणिबंध यानी सांपों का बंधन, बराबर कि ऐसे गरुड़ पक्षी ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। कि गरुड़ पक्षी जो है उसका भोजन क्या है, विषधर सांप, विषैले सांप, तो ऐसे गरुड़ पक्षी हो ही इस धरती को सांप के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। कहने का मतलब कि गरुड़ जैसे वीर पुरुष ही इस धरती को ऐसे अयोग्य व्यक्तियों से छुटकारा दिला सकते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सत्ता न किसी विष उसे छोड़। कि वो क्या कहते हैं कर्ण, कि हे कृष्ण, मैं एक ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, बराबर कि वो अपने आप को क्या बताता है, गरुड़ पक्षी, कि मैं ऐसा ही एक गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर ताज, ताज यानी कि राज मुकुट, मुगट, कि मुझे अपने सिर पर मुगट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद यानी विपत्ति, घोर यानी भयंकर, कि इस समय दुर्योधन जो है वो घोर संकट में, घोर विपत्ति में फंसा हुआ है, और मैं सकता न किसी विष उसे छोड़, कि कोई भी विष उसे आज छोड़ सकता नहीं है, क्योंकि कर्ण को भी पता है कि पांडवों के सामने दुर्योधन की हार निश्चित ही है, फिर भी वो मित्रता के नाते उसका साथ दे रहा है, इसलिए उन्हें पता है कि दुर्योधन को कोई भी विष छोड़ने वाला नहीं है, उसका अंत निश्चित ही है, फिर भी मैं उसी का साथ दूंगा, कि किसी भी तरह से मैं उसे छोड़ सकता नहीं हूँ। कि रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी युद्ध का मैदान, कि वो क्या कहते हैं कि मुझे तो युद्ध के मैदान में उतरना है, अहिपास काटना है मुझको, अहिपास यानी सांपों का बंधन, और दुर्योधन के नागपास को काटना है, कि मुझे तो रण के मैदान में उतरना है, युद्ध के मैदान में उतरना है, और दुर्योधन के नागपास को मुझे काटना है, यानी कि दुर्योधन को उनके दुश्मनों से मुझे बचाना है, कि वो मित्रता के नाते दुर्योधन का साथ देते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, बराबर समझ में आया कि किस प्रकार कृष्ण उन्हें लालच देते हैं, तो वो लालच का भी त्याग कर बस अपने मित्र का ही साथ देते हैं, और उन्हें इन सब राज्य, राजमुकुट, सोना आदि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इससे हमें यही बात सीखनी है कि हमें भी ऐसा वीर पुरुष, दानवीर पुरुष और ऐसे ही मनुष्य बनना चाहिए। थैंक यू।